बलौदाबाजार जिला के नगर पंचायत लवन के उपाध्यक्ष व भाजपा नेता राम कुमार साहू द्वारा मुख्य मार्ग से लगे जाड़ा तालाब पर अवैध कब्जा कर मकान निर्माण कार्य शुरू कर दिया था, जबकि नगर के वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 14 के वार्डवासी जाड़ा तालाब में निस्तारी करते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्षद व वार्डवासियों को सूचना मिलने पर राम कुमार साहू के खिलाफ कलेक्टर बलौदाबाजार अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार के पास लिखित शिकायत कर कार्यवाही करने की मांग की गई। शिकायत के आधार पर तहसीलदार बलराम तंबोली व उनकी टीम तालाब की खुदाई करने वाले राम कुमार साहू की उपस्थिति में पटवारी RI के द्वारा नाप कराया गया, जहां शिकायत सही पाई गई। वहीं तहसीलदार बलराम तंबोली ने कहा कि जाड़ा तालाब से लगे भूमि राम कुमार साहू की है, सड़क से लगे फ्रंट वाला हिस्सा उनका सही है, पीछे तालाब पार की 20 से 25 फीट तक अतिरिक्त खुदाई राम कुमार साहू के द्वारा किया गया है, जो नियम के विरुद्ध है, जिस पर कार्यवाही की जाएगी। तहसीलदार महोदय के नेतृत्व में सेमो साहब और हमारे यशवंत सिंह राजपूत से TI के उपस्थिति में और वार्डवासी भी उपस्थित थे, उनके उपस्थिति में जानकारी प्राप्त हुई है वो जो मेड़ का तालाब है उसको अलग से चिन्हांकित किए हैं और एक्स्ट्रा खुदाई पाई गई है लगभग 20 से 25 फीट और वो तिरछा तिकोन है, आप लोग स्वतः उसको देख सकते हैं कि वो ज़्यादा खुदाई हुई है। तो उस खुदाई के लिए अब आप क्या चाहते हैं जो ज़्यादा खुदाई हुई? नियम अनुसार शासन से कार्रवाई की मांग करना चाहते हैं, जो नियम में है यथावत कानूनी रूप से जो संभव हो शासन के आदेश अनुसार जो प्रोसेसिंग होना रहता है वो अपन कार्रवाई करें, कुछ करते हैं अपन कार्रवाई करते हैं। हमारे बारे में और पूरे परिवार के नाम से जो जमीन था 11.5 डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्डेड विधिवत प्रस्टिंग हुआ है उसका ऋण पुष्टि है, उसका ऋण पड़े पटवारी को तहसीलदार साहब को पर्सनली निवेदन करके सीमांकन के लिए बोला हूँ, जो उन्होंने मार्किंग किया उस पर मैं मकान निर्माण कराना चाह रहा हूँ, इसी के चलते मैंने खुदाई करवाई। कुछ कांग्रेस के या जो आपके साथी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि तालाब का अतिक्रमण हो रहा है। देखिए हमको अपनी जमीन है सिर्फ मेरे बगल में अनुज वर्मा है, उसके बगल में मनोहर वर्मा का जो बपुरा निवासी है उनका 5 डिसमिल है, कुल मिला के 5, 8 और 11, 19 डिसमिल और 19 डिसमिल जमीन हमको चाहिए। हम कोई विवाद नहीं चाहते, क्योंकि पहले के मतलब सीमांकन में किसी का घर बढ़ गया है, किसी का और कुछ हो गया है, तो इसमें क्या है ना, अब किसी घर की बात से पहले जाएगा तो कोई दीवार तो पड़ेगा नहीं। तो हम सिर्फ अपनी जमीन की मांग कर रहे हैं, हमको जमीन बता दे प्रशासन, तहसीलदार साहब, RI पटवारी, हमारी जमीन का सीमा बता दे ताकि हम अपना निर्माण कार्य कर सके। अतिक्रमण का जो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यदि मैं अतिक्रमण करना होता तो मैं दूसरे के उसमें करता, मेरा तो रिकॉर्डेड है, मेरे पास स्टाम्प है, मेरा विधिवत दृष्टि हुआ है, तो अतिक्रमण का सवाल ही नहीं उठा। वो अनभिज्ञता चलते उन लोग शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के आरोप कलेक्टर महोदय के नाम से पत्र लिख कर किए हैं, चूँकि वो उन लोग मतलब यथार्थ से वाकिफ नहीं थे, इस कारण तालाब का पार निश्चित रूप से कटा है। योगी शासन काल में तालाब का घरीकरण हुआ तो पार में तालाब का मिट्टी को पाटा गया, बरसात में मिट्टी बह के खेत में आ गया, तो प्रथम दृष्टया देखने से ही लगता है कि पार का कटाई हो रहा है करके।